हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, जब भी आपने गूगल एडवर्ड्स पे अकाउंट बनाया होगा, तब या तो आपने गलती से या फिर आपने जान करके अपने पेमेंट मेथड को ऑटोमेटिक सेट कर दिया होगा मैनुअल की जगह। यानी कि जब भी आप उसमें पेमेंट ऐड करोगे तो वो आपका जो अमाउंट है उसको माइनस में शो करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 1000 रुपीज ऐड कर दिया अपने एडवर्ड्स अकाउंट पे, और तब वहां पर शो करेगा -1000 रुपीज। तो -1000 का मतलब ये नहीं होता है कि आपके -1000 रुपीज कट गए हैं। उसका मतलब ये होता है कि जब भी आपके वो 1000 रुपीज का ऐड चल चुका होगा, तब आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली अगले 500 रुपीज या 1000 रुपीज जो है वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे। जैसे जैसे आपके ऐड चलते जाएंगे, गूगल अपने आप आपके बैंक अकाउंट से पैसे जो है वो विड्रॉ करता जाएगा, जिससे कि आपके बैंक अकाउंट में, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे जाते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग जब अपना अकाउंट बनाते हैं, तब तो हम ध्यान नहीं देते हैं कि वो ऑटोमेटिक पे सेट है या फिर मैनुअल पे सेट है। तो हमें ध्यान रखना होता है कि जब अपने अकाउंट बनाए, या तो हम उसे पहले से मैनुअल सेट कर दें, या फिर अगर आपने ऑटोमेटिक सेट कर दिया और आगे आने वाले टाइम पे अगर आपको उसको मैनुअल में सेट करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये चीज जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर, और यहां पर मैं आपको ले जाता हूं बिलिंग्स एंड पेमेंट्स के पेज पर। ओके, तो अब हम एडवर्ड्स के बिलिंग एंड पेमेंट पेज पे आ गए हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं जो पेमेंट मेरे यहां पर बाकी है वो है 228 रुपीज और 52 पैसे। तो यहाँ पर जो अमाउंट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इससे पहले कोई माइनस नहीं लगा हुआ है। कुछ दिन पहले यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, ऑटोमेटिक पेमेंट्स पे सेट था। तो इससे क्या होता था कि मेरे अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट कट होता था। तो इससे मुझे जब ऐड नहीं भी चलाना है, अगर मैं भूल गया अपने कैंपेन को बंद करना, तो मेरे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट डिडक्ट होता रहता था। तो इस वजह से मैंने इसको अभी अभी मैनुअल में कन्वर्ट किया है। तो आपको भी मैं बताता हूँ कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं सेटिंग्स में जाके कि हमारा मैनुअल है या ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे मेरे मैनुअल पेमेंट्स पे सेट है, और मैं अगर इसे चाहूँ तो अभी बहुत इजीली ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे इस एडिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ये यह एरो मिल जाता है मुझे, और यहाँ से मैं इसे ऑटोमेटिक में सेट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं करना है। और अगर यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक है ऑलरेडी, तो आपको ये जो एडिट का ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए, इसी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको क्या करना है। तो सिंपली आपको करना यह है कि यहाँ पर सबसे ऊपर जो हेल्प का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे गेट हेल्प का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर भी क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक विंडो खुल जाता है। इस विंडो में आपको सबसे लास्ट में ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इससे गूगल एडवर्ड्स टीम को ईमेल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ईमेल पे क्लिक कर लेता हूँ। कि ईमेल पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ छोटा सा एक फॉर्म मिलेगा, हमें उसे फिल करना है। तो सिंपली मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ पेमेंट्स एंड बिलिंग, क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड चेंजेस चाहिए। और यहाँ पर मुझे लिखना है आई वॉन्ट टू चेंज फ्रॉम ऑटोमेटिक पेमेंट्स टू मैनुअल पेमेंट्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई वॉन्ट टू चेंज फ्रॉम चेंज ऑटोमेटिक पेमेंट्स टू मैनुअल पेमेंट्स। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, और उसके नीचे अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, जिस ईमेल आईडी से आपका एडवर्ड्स अकाउंट है। और यहाँ पर आपको अपना कस्टमर आईडी डालना है। जो भी आपका कस्टमर आईडी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मैंने ब्लर कर रखा है। तो यहाँ पर आपको अपना कस्टमर आईडी मिल जाएगा, और उसको आपको यहाँ पर टाइप करना है। और उसके बाद अगले ऑप्शन में पूछा है हाउ वुड यू लाइक टू लाइक ए गूगल एक्सपर्ट टू रेस्पॉन्ड। तो आप यहाँ पर ईमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंपली एक मेल आता है, मैं आपको मेल भी दिखाऊंगा अभी उस, और उस मेल में आपको करना कुछ नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ऑटोमेटिक को वो मैनुअल में कन्वर्ट कर देंगे, आपको सिर्फ उस मेल को पढ़ना है। ओके, और सबसे लास्ट में ये चेक आपको रखना है, इससे आपके पेज का एक स्क्रीनशॉट उनके पास जाता है, और उसके बाद आपको सिंपली सेंड पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद 24 घंटे बाद आपको एक मेल आएगा। जरूरी नहीं है कि 24 घंटे लगे, 5 या 6 घंटे में भी काम हो सकता है, लेकिन आप यूँ मान के चलिए कि 24 घंटे तक आपका काम नहीं होगा, ताकि आप वेट नहीं करोगे। तो 24 घंटे में के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा, अगर सैटरडे संडे अगर वगैरह नहीं हो बीच में, तो 24 घंटे में पक्का हो जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको अपना मेल चेक करवाता हूँ जो मुझे आया है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है वो मेल जो मुझे गूगल की तरफ से आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 फरवरी को ये मेल आया है, 3 दिन पहले की बात है। मैंने अपने ऑटोमेटिक पेमेंट को मैनुअल पेमेंट में चेंज किया, और यहाँ पर मैं रीड करवा देता हूँ। एज मैंशनड अर्लियर आई रीच आउट टू माई वाइडर टीम एंड आई एम हैप्पी टू टेल लेट यू नो दैट आवर टीम हैज़ चेंज द पेमेंट मेथड ऑन योर एड्स अकाउंट फ्रॉम ऑटोमेटिक टू मैनुअल। तो दोस्तों आपको भी यही ऐसा का ऐसा एक मेल आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब ये मेल आते ही जाके आप अपना चेक कर सकते हैं गूगल एड्स अकाउंट, और यहाँ पर वो मैनुअल पेमेंट्स में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे पहले आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।